नमस्ते बच्चों, BFTSC स्कूल में आप सभी का स्वागत है। तो चलो बच्चों, आज अंग्रेजी सब्जेक्ट का परीक्षा है। तो परीक्षा शुरू होने से पहले कोई भी चोरी करने के लिए कागज पुर्जा लाए हो तो बाहर निकाल के फेंक दो, और नहीं तो जो पकड़ा गया उसके मुंह में 10 फीट की लाठी घुसेड़ के मारूंगी मैं। वाह बेटा, तुम दोनों चोरी करने के लिए कोई पुर्जा नहीं लाए हो। तेरा ईमानदारी देख के मैं खुश हो गई। चलो अपना अपना क्वेश्चन पेपर लो और लिखना शुरू करो तुम लोग। एक काजल, तुम अपना वाला हमको ही दिखाओ ना। ए, बोलने का तमीज नहीं है क्या? होश में बात करो। अरे हल्ला, कौन कुछ कुछ आ रहा है इतना? तुम दोनों को बहुत देर से देख रहे हैं, तुम दोनों छटपटा रहे हो बहुत। ओए, तुम खड़े हो जाओ और पैकेट चेक कराओ तो अपना। ऐसा करो कि तुम पैंट ही खोल दो अपना। हे मैडम, ये आप क्या बोल रहे हैं? सबके सामने खोलेंगे, हमको लाज लगेगा। अरे तुमको लाज इतना लगता है तो चोरी करने के लिए पुर्जा क्यों लाता है? चुप करो और चेक करने दो। अरे चोर तो सबका बाप निकला। जानते हैं मैडम, ये मेरी मम्मी दी थी और बोली थी कि समय पे काम देगा। चल बैठ चंडाला और लिखना शुरू कर। चलो जी, हो गया। मैडम अगर होता तो रोता नहीं। ओए गंडू, ज्यादा बोलेगा? मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी ना था। मैंने जो काम दिया उसको पूरा किया है तू? हाँ मैडम, लिखा गया, देखिए। अरे ये तू क्या लिख दिया? एग्जाम की कॉपी में तूने गाना लिख दिया। गाना लिख दिया? कौन सा गाना लिख दिया मैडम? अरे ये लिख दिया है, इजीला है नलंदा कर देंगे मैडम ठंडा। जानते हैं मैडम एगो बात। क्या बात है? अपने घर में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम अपने परिवार घर जाते हैं ना, तो वहाँ हगने में बहुत शर्म आता है। अच्छा, एक तुम ही हो क्या जिसको शर्म आता है? क्या काजल, तुमको भी ऐसा प्रॉब्लम कभी हुआ है? ए बेवड़े, जब अकल बट रही थी तो कहाँ थे तुम? ए बेवड़ी, तुमको पटाने में लगे थे। यार बन रही हो तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे के दिखाओ। कौन सा क्वेश्चन है? ध्यान से देखो, तो बताओ ये लिखे हुए सवाल का जवाब क्या होगा? अरे क्या लिख दिया आलतू फालतू, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ज्यादा अंग्रेज का दादा मत बनो। अरे छोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैडम, क्या आपके पास इसका जवाब है? अरे नहीं, मैं भी नहीं समझ पा रही तू क्या लिखा है आंसर। देखा, किसी के पास इसका आंसर नहीं है। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। देखो ये इंदु है, और ये डॉट मतलब बिंदु है, और ये रेखा है, और ये 3, 9, 1, 7, और ये भाग है, और ये गई। इसका मतलब मैं बताता हूँ, इंदु बिंदु रेखा तीनों एक साथ भाग गई। थैंक यू। अरे बाजी, तुम तो कमाल कर दिए। तो बच्चों, आज का क्लास समाप्त किया जाता है, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो देखने वाले आप सभी से अनुरोध है कि हमारा BFTS म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कि देवरा पूरी सब्जी पुआ खोले बा, कि पादी पादी कोचिंग में छोड़ा धुआं करले बा। करवा दे छी, शांत रहो, मारेंगे लोल पे तो चढ़ जाओगे पोल पे, समझे? चलो अब पढ़ाई करो। BFTSC स्कूल में तुम सभी का स्वागत है। किसी का कोई सवाल है जी? अगर सवाल है तो पूछ लो। अच्छा मैडम, एक बात बताइए तो, कि सभी लड़कियाँ लड़कों को भैया ही क्यों बोलती है? क्यों भैया बोलती है तो तुमको क्या परेशानी है? परेशानी कोनो नहीं है मैडम, लेकिन बेचारे लड़के लोग लड़कियों को देख के न जाने क्या क्या सपना सजाते हैं, और अंत में लड़के सब
भैया बोल के उसके सारे सपनों को चूर चूर कर देती है। हाँ, बात में तो दम है। अच्छा, इसके सवाल के जवाब कोई लड़की देना चाहती हो जी? हाँ मैडम, हम देंगे जवाब। लड़की लड़का को भैया इसलिए बोलती है क्योंकि लड़कों का संख्या ज्यादा है और लड़कियों का कम, इसलिए भैया बना बना के लड़कों का जनसंख्या को कम कर रही है। वाह, क्या जवाब दी है। अच्छा, तुम बहुत तेज बोल रही हो ना, तो जो हम बोलेंगे उसको बोल के दिखा दोगी? क्या बोलना है बताओ। तो 5 बार जल्दी जल्दी बोल के दिखाओ। तो अपंगसगंज अपंगसगंज। ये कौन नहीं बोल देगा, सुनो। अपंगसगंज 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 अपंगसगंज। हो गया ना टाइम का फीस, इसीलिए बोलते हैं कभी लड़का से पंगा नहीं लेने का। अच्छा बेटा, बहुत चलाक हो तुम तो। मेरा एक सवाल का जवाब देखे दिखाओ तो। कौवा उड़ता है आकाश में मगर रहता है कहाँ? मुझे भी लगा कि कोई भारी सवाल होगा, ये तो कौन ही बता देगा कि कौवा उड़ता है आकाश में मगर रहता है घोंसला में। तो मुँह में रहता है, अब बेवकूफ बन गया। कौवा उड़ता है आकाश में मगर मगर मतलब मगरमच्छ रहता है पानी में ना कि घोंसला में, समझा? सलाद कोई पहला बार मुझे हराया है। अरे हल्ला, तुम सबका बकवास सुन के मेरे सिर में दर्द होने लगा। अब कोई गाना सुनाओ ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। ठीक है मैडम, तो सुनिए। प्यार वाला पढ़ाई से पसा पलट जाए, मैडम उपाय बता दे पत्थर की छोड़ी। हाँ, ये क्या हो रहा है बे? अच्छा बताइए ना, आप मुझे कितना प्यार करते हैं? पहले एक किस तो। यू इडियट, मुझे माल किसने बोला बे? अरे मैंने नहीं बोला है, ये बोला है। अरे ये तो गूंगा है, जरूर तुम ही बोला होगा, तुम्हें तो। अरे मुझे क्यों मार दी, ये न बोला था। कैसा लगा नन्नू? इसीलिए कहते हैं कि कभी फूली हुई रोटी को कच्ची नहीं समझनी चाहिए और 12 साल के लड़के को कभी बच्ची नहीं समझनी चाहिए। अरे ये तो बोल रहा है, इसका मतलब तुम झूठ बोले। हाँ जो मन तांदुआ तेरे लिए